Hello students, I hope you are all well. As you already know, we are presently on chapter number 4. हम लोगों ने chapter number 4 का first exercise, powers and exponents का first exercise कल किया था, ठीक है? After that, we are going to start with the second exercise. But before starting second exercise, हम लोग जो है, इसमें इसके theory वगैरह पढ़ लेते हैं, okay? नौ सेकेंड फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था कि आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था कि किसी भी नंबर को उसके पावर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. सपोज यू हैव अ नंबर 625, तो 625 को आप कैसे लिख सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो. दिस इज 125, 5 से डिवाइड किया तो 25, 5 से डिवाइड किया तो 5, और 5 से वापस डिवाइड किया तो 1. तो 625 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 5 × 5, चार बार 5 आता है, और यू कैन राइट इट एज 5 की पावर 4. ओके, इसी तरह से इफ यू हैव 36, अगर आपके पास है 36, तो 36 को आप लिख सकते हो 2 18 2 9 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3. सो 36 इज 2 × 2 × 3 × 3, और यू कैन से 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इस तरह से, ठीक है. अच्छा जी, तो ये सारी बात तो हमने कल सीखी, कल इस बारे में सारी की सारी जानकारी ली जितनी भी हमको मिल सकती थी. आज क्या करेंगे, आज हम पावर्स के बारे में जानेंगे कि पावर्स में किस तरह के लॉज होते हैं, किस तरह से उनको ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है. जैसे कि हमने रेशनल नंबर में देखा था किस तरह से नंबर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, एलसीएम लेके क्या होता है, फ्रैक्शन में भी हमने इस तरह से बात की थी. इसी तरह से एक्सपोनेंट्स में ऑपरेशन करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए पहले से डिसाइडेड कुछ लॉज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज हम दो वीडियोस देखेंगे, पहले तो हम थ्योरी पढ़ेंगे चैप्टर की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, दो वीडियोस करें कि नहीं करें, चलो देखते हैं. अगर मेरे को लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहे तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कराता जाऊंगा, और फिर आपको लॉज भी क्लियर हो जाएगा और आपको दो वीडियो भी नहीं देखने पड़ेंगे, एक में ही काम हो जाएगा. बट आई सिंसियरली आस्क ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आपको जो काम रोज़ाना दिया जाता है वो रोज़ाना ही करते रहिए. आपकी एग्जाम्स में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आपका कोर्स बहुत सारा है, तो आपकी तरफ से मेहनत भी चाहिए मेरे को थोड़ी सी, ओके. साथ साथ करते रहिए, जो पुराना है उसको भी आपको रिवाइज करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जो नया कर रहे हैं वो भी साथ साथ करते रहिए. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो पूछते रहिएगा, ओके. क्या है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर लॉज विच हेल्प अस टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन यूजिंग एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको सिंपली सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, जिनकी मदद से, जिनको अगर हम यूज करते हैं तो बार बार हमें क्वेश्चन को बड़ा करके लिखने का जरूरत नहीं है, हम उसे छोटे से में सॉल्व कर सकते हैं, ओके. तो हम लोग एक एक करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है. मैं बुक वाइज नहीं चल रहा, बुक में अलग नंबरिंग दे रखी है, मैं थोड़ी सी अलग नंबरिंग यूज करने वाला हूँ, तो इससे बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर ने तो बुक में कुछ और लिखा है, सर ने कुछ और लिखवा दिया, वैसा कुछ भी नहीं करने वाले हम, ठीक है. बुक में भी यही लॉज लिखे हुए हैं, मैं भी यही लॉज लिखवाने वाला हूँ, बस नंबरिंग थोड़ी सी अलग करने, ठीक है, नंबरिंग थोड़ी मेरे हिसाब से करना. तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखो, हाँ जी, ये आपको कॉपी में लिखने हैं सारे के सारे लॉस. ओके, फॉर एनी नंबर, यहां पे मैं एनी नंबर की बात कर रहा हूं, इसे कोई सा भी नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, फ्रैक्शन वाला हो सकता है, इंटीजर, नॉन इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसे. फॉर एनी नंबर ए, कोई सा भी नंबर ए हो, उसके लिए ए टू द पावर 0 इज 1. कहने का मतलब है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो आंसर होगा 1, ठीक है. किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो आंसर होगा 1.
इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मैं ले रहा हूँ फ्रॉम पेज नंबर 91, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट। क्वेश्चन इज, आपके सामने क्वेश्चन है, -9/7^16 इंटू -9/7^0। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पहले ब्रैकेट की पावर है 16, सेकेंड ब्रैकेट की पावर है 0 और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लॉ यूज करेंगे, वी नो दैट ए टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर आता है 1, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर आता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस नंबर को लिखा जा सकता है -9/7^16 इंटू 1। ये जो नंबर है, इस पूरे नंबर का पावर कितना है, 0 है, तो इसका आंसर हो गया 1। और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही आंसर आ जाता है। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा इतनी बड़ी पावर, 5 से बड़ी पावर हम लोग सॉल्व नहीं करते, उसको वैसे पावर में रहने देते, वैसे अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, इसको आप पॉजिटिव 9/7 भी लिख सकते हो, कल बात करी थी हमने, अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ओके। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेम लॉ को यूज कर रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हमको सॉल्व करना है 5^0 + 7^0 - 12^0 / 4 + 1/4, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो बेटा पहले तो देखो, मैं इसको सही से लिखता हूँ, थोड़ा ऐसे कि आराम से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या हो रहा है, 5^0 + 7^0 - 12^0, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप किससे, सॉरी 4 से, और वो 4 भी कौन किससे डिवाइड हो रहा है, 1/4 से, ठीक है। देखो, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, आंसर क्या होगा, 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, आंसर होगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, आंसर होगा 1। साइन उसका वैसा ही रहेगा जैसा लगा हुआ, डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट के अंदर देखो 4, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 + 1 - 2 - 1 - 1 / 16, तो 1/16 तो बहुत ही आसान है, 1/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पावर 0 वाले ये क्वेश्चन थे। और देख लेता हूं मैं, और एक जगह पावर 0 यूज कर रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट बताता हूं मैं आपको, बाकी वाले पार्ट आप लोग ट्राई करके देखना, नहीं आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बी पार्ट में है आपके पास 10^2^0 - 2^3^1 - 2^0 × 5^0 + 7^1 × 3^1। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, ये तीसरा ब्रैकेट है और ये चौथा ब्रैकेट है। इस तरह से चार टर्म्स हैं और आपको इन चारों को अलग अलग सॉल्व करके फिर प्लस माइनस करके आंसर निकालना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 10^2 × 4^0, तो 10^2 होता है 100, 10 × 10 = 100, और 4^0 क्या होता है, 1 होता है, -2^3 होता है, 2^3 = 2 × 2 × 2,
और 3 की पावर 1 मतलब एक बार 3, माइनस 2 की पावर 0 होता है 1 और 5 की पावर 0 होता है 1, प्लस 7 की पावर 1 होता है 7 और 3 की पावर 1 होता है 3। सॉल्व करते हैं, 100 इंटू 1 इज 100, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, माइनस का 24, माइनस का 1 और प्लस 21, तो प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ, सॉल्व किया तो 121 में से माइनस करना है 25, सो दिस विल बी 96। करके देख लो आराम से, यू विल गेट द आंसर इज 96। ओके, तो इस तरह से क्या रहता है, आपके पास किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो जाता है तो आपके पास नंबर जो है वो वन हो जाता है। ओके, भले पॉजिटिव नंबर हो भले नेगेटिव नंबर हो। देखो एक बता देता हूं मैं आपको, बाद में कहोगे नहीं बताया सर ऐसा। अगर माइनस टेन का पावर जीरो है तो आंसर आएगा वन, अगर माइनस इस तरह से पावर जीरो है तो आंसर आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे माइनस का भी पावर जीरो हो गया तो वो वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का पावर जीरो नहीं है, माइनस जो है ब्रैकेट से बाहर है, तो माइनस तो वैसा का वैसा रहेगा, ब्रैकेट का आंसर तुम्हारा आ गया वन, सो दिस इज माइनस वन। इस तरह से है, तो कन्फ्यूज मत होना इसमें। मैंने क्या है कि इस साल ये वाला क्वेश्चन 8th क्लास में पुट अप कर दिया था और 7th क्लास का कंसेप्ट है और बच्चे परेशान हो गए थे, तो आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला लॉ देखा कि किसी भी नंबर का पावर जीरो रख देते हैं तो आंसर आता है वन। नाउ दूसरे लॉ पे आते हैं, लॉ टू और लॉ थ्री, एक्सपोनेंट्स का लॉ नंबर टू और लॉ नंबर थ्री अपन साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में क्यों पढ़ रहे बेटा? बहुत अच्छा रीजन है उसका कि दोनों लॉ एक जैसे दिख रहे, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। सो लॉ टू इज फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर्स ए कॉमा एम कॉमा एन वेयर एम, इंटीजर्स बोलना चाहता हूं मगर जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटीजर्स हो, ठीक है रहने दो। ओके, फॉर एनी नंबर्स ए कॉमा एम कॉमा एन, कोई भी तीन नंबर हैं ए कॉमा एम और एन, तीन नंबर हैं, इन तीनों नंबर्स के लिए लॉ टू क्या कहता है आपसे कि ए की पावर अगर एम हो और बीच में मल्टीप्लाई के साइन के साथ बी की पावर एम हो तो आंसर क्या हो, सॉरी बी नहीं आएगा बेटा, सॉरी ए की पावर एम हो इंटू एम की पावर एन हो, ए की पावर एन हो, वापस सुनो, पहला नंबर ए उसकी पावर एम, दूसरा नंबर ए उसकी पावर एन, तो आंसर आएगा आपके पास ए की पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो आपके पास बेस टू है, कोई देखो लॉ क्या समझा रहा है, आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस जो है सेम है पावर डिफरेंट है, तो क्या करोगे आप, बेस तो वही रखोगे और पावर ऐड कर दो। यहाँ पे मैं दो नंबर ले रहा हूँ टू, ठीक है बेस सेम है दोनों नंबर का बेस टू है, एक की पावर टू ली एक की पावर थ्री ली, अपनी मर्जी से कोई भी पावर ले लो, तो इस लॉ के हिसाब से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा टू की पावर टू प्लस थ्री, दैट इज टू की पावर फाइव। और अगर अपन पुराने वाले तरीके से करके देखते तो क्या करते, इसको एक्सपेंड करते लिखते टू इंटू टू, इसको एक्सपेंड करते लिखते टू इंटू टू इंटू टू, कितनी बार आया टू, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच बार आया, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, पांच बार आया मतलब टू की पावर फाइव। ऐसे करके देख लो सेम आंसर आएगा। अब क्या है कि छोटे छोटे नंबर है तो अपन ऐसे एक्सपेंड करके देख लेते हैं, मगर दिक्कत कब आती है, जब जिंदगी में बड़े बड़े नंबर आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नंबर कैसे आते हैं जरा दिखाता हूं मैं, देखो आपको
सपोज यू हैव टू नंबर्स इन मल्टीप्लीकेशन, आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई में है इस तरह से, यार देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट है, इट इज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7। ये बैठेगा नहीं यार, दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट्स लग रहे हैं, एक से ज्यादा लॉज लग रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस वन। आपके पास सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसमें अकेला यही लॉ लगे। चलो ठीक है, हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अभी, टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से लॉ तो समझ में आ गया होगा। क्या है लॉ, कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या है, ऐड हो जाती है। ये सारे के सारे लॉ आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से सेकेंड लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ, सॉरी लॉ थ्री। थर्ड लॉ क्या है, फॉर एनी थ्री नंबर्स ए एम एंड एन, फॉर एनी थ्री नंबर्स ए एम एंड एन, वापस से ए की पावर समथिंग और दूसरे नंबर की भी पावर, दूसरे ए की पावर भी समथिंग, मगर इस बार दोनों के बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है, ए की पावर समथिंग डिवाइडेड बाय ए की पावर एन पावर समथिंग, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब क्या हो रहा है, दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है और नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर की पावर माइनस दूसरे वाले नंबर की पावर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर की पावर माइनस दूसरे वाले नंबर की पावर। एग्जाम्पल देख लीजिए, और हाँ बेटा एग्जाम्पल्स नोट करने हैं आपको, नोट कर लेना कॉपी में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा कुछ नहीं कि सर आपका होमवर्क काट देंगे या कुछ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ में आ जाने चाहिए लॉ क्या है। दिस इज, मान लो आपके पास है 3 की पावर 6, डिवाइड कर रहे हैं उसे 3 की पावर 2 से। यहाँ पे बेस क्या है, दोनों जगह 3 है, पावर एक जगह 6 है दूसरी जगह 2, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 6 माइनस, तो करके देखते हैं 6 माइनस 2 कितना होता है भाई, 4 होता है, तो ये हो गया 3 की पावर 4। एक चीज और बेटा, पावर को पावर में ही लिखने की आदत डालो, साथ में मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, इसको 34 मत लिख देना आप गलती से, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है चलने तो जैसा चल रहा है, पावर मतलब ऊपर लगती है, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं चलो आपके लिए, देखते हैं भाई कोई एक्सरसाइज में कुछ मिल जाता है तो कर लेते हैं, ओके मिल तो गया, मेरे को मिल गया कुछ ना कुछ एक्सरसाइज में, चलो देख तो। क्वेश्चन नंबर फाइव ले रहा हूं मैं, इसका बी पार्ट ले रहा हूं। बी पार्ट इज -5 की पावर 7, इसको डिवाइड करना है -5 की पावर 3। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास बेस क्या है, दोनों ही में बेस है -5 और -5, 1 की पावर 7 है दूसरे की पावर 3 है, तो हम लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूजिंग क्या लॉ यूज करेंगे, थर्ड वाला लॉ यूज करेंगे। क्या है थर्ड वाला लॉ, 1 की पावर m डिवाइडेड बाय 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर m माइनस n। बीच में बेस सेम है, पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो दिस विल बिकम, बेस क्या है -5, पावर है 7 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो -5 के पावर हो जाएगा 4। अब ध्यान दो, पावर क्या है, इवन है, नंबर क्या है, नेगेटिव है, नंबर हो जाएगा पॉजिटिव, और 5 की पावर 4 होता है 625। ठीक है, क्या कहा था मैंने, अगर पावर 5 तक है तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ओके किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें।
एनीथिंग एल्स लाइक दिस? एक और कुछ, एक तो और क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, फिर अगले वाले लॉ पे चलेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7, हम एक्सरसाइज 4.2 ही कर रहे हैं, थोड़ा हम ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे जैसे लॉ कराता रहूं वैसे वैसे क्वेश्चन भी कराता रहूं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन से लॉ से कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन्हीं लॉ पे बेस्ड है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आपके पास है ए पार्ट -11/15 की पावर 8 इज डिवाइडेड बाय -11/15 की पावर 6। ओके, तो वापस से क्या है बेटा, बेस सिंगल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव, से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास बेस यहां पे क्या है, -11/15 और -11/15। तो हम क्या करेंगे, लॉ यूज करेंगे। यूजिंग क्या है हमारा लॉ, ए की पावर एम को जब डिवाइड करते हैं ए की पावर एन से तो आंसर आता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो यहां पे क्या बना, ये ए की पावर एम, ये है ए है हमारा 11/15, माइनस का 11/15, ब्रैकेट के बाहर पावर जो है माइनस हो जाएगी 8-6। 8-6 कितना होता है भाई, 8-6 होता है शाबाश 2 होता है। अच्छा जी, पावर कैसी आ गई भाई, 2 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है? 2 इज एन इवन नंबर। जब 2 एक इवन नंबर है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11/15 × 11/15। रेशनल नंबर हम मल्टीप्लाई करना सीख के आए थे पिछले चैप्टर में, तो दिस इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो दिस इज 11 × 11 = 121, 15 × 15 = 225। ओके, इसके लिए भी एक लॉ लगता है, मगर वो लॉ अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं, तो मैं करके नहीं बता रहा हूं, ठीक है, जब सिखा देंगे तो उसके बारे में भी बता देंगे आप।